अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। प्रदूषण से बेहाल नवी मुंबई, दिल्ली की तरह खराब हो रही शहर की आबोहवा, एमपीसीबी और मनपा अनजान। देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण की चपेट में है। हालत यूं है कि लोग नाक दबाकर जीने को मजबूर हैं। कमोबेश यही हालत अब नवी मुंबई में नजर आने लगी है। हर रात छोड़ा जा रहा जहरीला धुआं और खतरनाक केमिकल जिस तरह नवी मुंबई की आबोहवा को प्रदूषित कर रहा है, उससे वह दिन दूर नहीं लगता जब दिल्ली की तरह नवी मुंबईकरों को भी मास्क पहनकर चलना पड़े। दिन ढलने के बाद वातावरण में तैरते एयर पार्टिकल्स और बदबू फैलाती हवाएं इसका सबूत दे रही हैं कि मनपा और एमपीसीबी अधिकारी नियंत्रण के नाम पर जो दावा कर रहे हैं वह दिखाने के सिवा कुछ भी नहीं है। और वैसा हम सब प्रयास कर रहे हैं, हमारा नाइट विजिलेंस भी चालू है। नाइट विजिलेंस में कोई मिला तो भी हमने एक्शन लेने का, हम कभी किसी के ऊपर ये नहीं करते, एक्शन लेते ही है। कौन सी भी वजह से पोल्यूशन का एक्शन रुकता नहीं, पोल्यूशन एक्शन हो ही जाता है। दूसरी बात रहेगी एयर पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का जो है वीओसी मीटर हमारे पास रहते हैं, छोटा मीटर रहता है। हम डे नाइट जो इंडस्ट्री में जाते हैं मॉनिटरिंग करते हैं, तो उसमें हमने जो कंसेंट में डेसिग्नेटेड पैरामीटर्स दिए हैं वो पैरामीटर का लिमिट में है नहीं है वो तुरंत समझ में आता है। बाद में हमारा दूसरा एम्बेंट एयर मॉनिटरिंग मशीन है और कंटिन्यूस एयर मॉनिटरिंग मशीन भी हमने कई कई जगह लगे रखे हैं, एमआईडीसी में, नॉन एमआईडीसी एरिया, रेजिडेंशियल एरिया इधर लगाया है, उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग स्टेशन है। तो एम्बेंट क्या है आज का वो सब पब्लिक को किधर भी जाएगा देख सकता है। यकीन नहीं आता तो शहर के कुछ गटर नालों की हालत देख लीजिए। यहाँ छोड़े जा रहे प्रदूषित पानी ने नालों को बदरंग बना दिया है। ऐसे में जल जीव तो दूर घास और वनस्पतियां तक नहीं बची हैं। बढ़ते प्रदूषण का सबसे ज्यादा इफेक्ट तुर्वे स्टोर, पावने गांव, कोपरखेर ने, घनसौली, रवाले एवं नेरुल के शिवाजी नगर में दिख रहा है, जहां लोग प्रदूषित हवाओं के कारण बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बाइक सवारों की माने तो तुर्वे, माफे और नेरुल हाईवे से गुजरते हुए उन्हें अक्सर एयर पार्टिकल का अटैक और केमिकल की बदबू झेलना पड़ती है। ताज्जुब यह है कि यह सब कुछ बदस्तूर जारी है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। देखना होगा कि स्वच्छ और इको सिटी का पुरस्कार जीत चुकी नवी मुंबई महानगर पालिका और प्रदूषण नियंत्रण मंडल इसे लेकर कौन सी गंभीरता दिखाते हैं। यदि फिर भी नहीं चेते तो नवी मुंबईकरों को भी दिल्ली वाला दिन देखने को मजबूर होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।